नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मुकुल वर्मा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ अपोलो हॉस्पिटल, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली। मैं कुछ पेशेंट्स जो सीजर डिसऑर्डर या एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है, ये कोई बहुत खराब किस्म की बीमारी नहीं है। और मैं आपको होप देना चाहता हूँ कि इस बीमारी के साथ आप एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। इस बीमारी को अगर देखिए तो ये काफी कॉमन बीमारी है। ऑलमोस्ट 1-2% पॉपुलेशन को ये बीमारी होती है। तो इसका मतलब है कि 100 में से 1 या 2 लोगों को ये बीमारी है। तो आप अकेले नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो इस बीमारी से पीड़ित हैं। और ये आपको बाधा नहीं डालेगी, क्योंकि इसको कंट्रोल करना आजकल काफी आसान हो गया है। दवाइयों को खाते हुए आप नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये बीमारी आपके ऊपर इसलिए नहीं कोई बाधा डालेगी, क्योंकि ये इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा नहीं है। शक्ल वजह पे कुछ दिखता नहीं है। आप जो कुछ करना चाहें लाइफ में कर सकते हैं, और जो जो चीजें नहीं कर सकते हैं वो मैं अभी बताऊंगा। और अगर आप यूं देखिए कि बाकी बीमारियों की तरह भी इसमें लंबी दवा खानी पड़ती है, जैसे डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, उसमें भी काफी सालों तक दवा खाते रहना पड़ता है, और जब तक आदमी दवा खाता है तब तक वो ठीक रहता है। इस बीमारी में भी आपको दवा खानी है। अगर आप दवा खाते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। और जहां तक रिस्ट्रिक्शंस का सवाल है, आप एक नॉर्मल जिंदगी बिता सकते हैं। लेडीज के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो शादी कर सकती हैं और बच्चे पैदा कर सकती हैं। और आजकल दवाइयां इतनी अच्छी आ गई हैं कि अगर सही दवा का चयन किया जाए तो वो बेबी के ऊपर, गर्भवती लेडीज को नुकसान नहीं करती। तो दवाइयां जो हैं वो बेबी के ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, और प्रेगनेंसी के दौरान कोई विशेष परेशानी नहीं होती। जरूर कुछ प्रिकॉशंस उठाने होते हैं। डिलीवरी के बाद भी ज्यादातर लेडीज माँ का दूध पिला सकती हैं बेबीज को, दवाई के चलते हुए भी। और लेकिन आपको अपने न्यूरोलॉजिस्ट से, अपने डॉक्टर से इन सब मामलों में संपर्क बना के रखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। अगर यूं देखिए तो बहुत अचीवर्स हैं लाइफ में जिनको ये बीमारी थी, और पास्ट में भी बहुत फेमस लोग हैं जो इस बीमारी से पीड़ित थे, लेकिन इस बीमारी ने उनको अपनी लाइफ में वो सब चीजें करने से नहीं रोका जो वो करना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल, नेपोलियन इस बीमारी से पीड़ित थे, और सब लोग जानते हैं कि वो कितने बड़े वो एम्परर थे फ्रांस के, और एक मिलिट्री जीनियस थे। जूलियस सीजर भी इसी बीमारी से पीड़ित थे, और बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी इस स्टेज पे नाम लेना संभव नहीं है, बट आप देख सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके फेमस पीपल विद एपिलेप्सी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बीमारी आपको रोकेगी नहीं। आप अगर कोई भी चीज करना चाहते हैं लाइफ में, कुछ बनना चाहते हैं, तो आप वो सब कर सकते हैं, और ये बीमारी आपको उन सब चीजों से रोकेगी नहीं, क्योंकि ये बीमारी कोई पागलपन नहीं है, कोई सोचने समझने की शक्ति को खत्म नहीं करती है, और दवाइयां इतनी अच्छी हैं कि जिनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम हैं। सिर्फ आपको अपनी दवा को रेगुलरली खाते रहना है, और वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ और प्रिकॉशंस भी आपको लेने हैं, जैसे कि टाइम से आपको सोना है, अपनी नींद पूरी करनी है, टाइम से अपना खाना खाना है, खाली पेट लंबे अरसे तक नहीं रहना है, व्रत वगैरह नहीं रखने हैं, और
कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि शराब पीना मना है, क्योंकि शराब पीने से मेदी का दौरा आ सकता है। कुछ दवाइयां हैं जिनको अवॉइड करना होता है, वो आपके डॉक्टर बता देंगे। बट क्विनोलोन एंटीबायोटिक्स होती हैं, जैसे नॉरफ्लॉक्सेसिन, ओफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन ग्रुप की दवाइयां, ये आमतौर पे काफी कॉमनली लोग ले लेते हैं, ऑफ द काउंटर भी कभी कभी खरीद लेते हैं। ऐसी दवाइयों से दौरा आने का डर होता है, तो इनको अवॉइड करना है। दूसरी चीज जो करनी है कि पहले टेलीविजन के लिए कहते थे कि टेलीविजन से दौरा आने का डर होता है टीवी ज्यादा देखने से, बट जो अभी नए टीवीज आ गए हैं जिनमें एलईडी स्क्रीन्स वगैरह हैं, उनसे इतना डर नहीं है। लेकिन कोई बहुत फ्लैशी जिसमें कि फ्लैशेज आ रहे हों, जैसे स्ट्रोब लाइट्स होती हैं, डिस्को वाली स्ट्रोब लाइट्स, उस तरह की लाइट्स से कुछ लोगों को दौरे की टेंडेंसी होती है, तो इस तरह की सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहिए। जहां तक बच्चों का सवाल है, कोई मेजर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, खेल कूद का तो बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं जो कि इस बीमारी से पीड़ित हैं और बड़े फेमस स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, उनका नाम अभी मैं नहीं लूंगा, बट कोई भी खेल कूद में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ स्विमिंग का रिस्ट्रिक्शन है, जिसमें कि स्विमिंग अलाउड है, परंतु अगर स्विमिंग कोई कर रहा है, कोई पेशेंट इस बीमारी का, तो उसके ऊपर कोई और व्यक्ति हो जो निगरानी रखा रहे, बस इतना ही करना है, अदरवाइज स्विमिंग करना मना नहीं है, अकेले स्विमिंग करना मना है। पुराने जमाने में इस बीमारी को सोचते थे कि कोई भूत प्रेत या आत्मा वगैरह आने की वजह से ये बीमारी होती है, बट ये सब पुराने ख्यालात हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये बीमारी एक सिंपल बीमारी है जिसमें कि ब्रेन में कुछ बिजली की किरणें हाई वोल्टेज पैदा होने के कारण होती है, और इन किरणों को हम लोग दवाइयों से आसानी से कंट्रोल में रख सकते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि किसी पेशेंट को अगर दौरा आ गया तो उसको जूता सुंघाना चाहिए या कोई और चीजें करनी चाहिए उसके साथ। सिंपली आपको क्या करना है कि पेशेंट को साइड से लिटा दीजिए, ताकि अगर वॉमिट वगैरह हो तो वो अंदर ना जाए उसके फेफड़ों में, और उसको उसके सिर के नीचे कुछ तकिया सा लगा दीजिए, और अपने आप ही 2 मिनट में उसका दौरा रुक जाएगा। और कुछ भी मुंह में चम्मच या कोई हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं डालना है, क्योंकि उससे दांत टूट सकता है, ना ही अपनी उंगली डालिएगा, क्योंकि फिर आपकी उंगली कट सकती है। सिंपली 2 मिनट बाद वो सब रुक जाएगा और पेशेंट अपने आप थोड़ी देर सो जाएगा और उसके बाद जग जाएगा। और हर दौरे के लिए हॉस्पिटल भी भागने की जरूरत नहीं है, आमतौर पे उसके बाद थोड़ी देर सोने के बाद पेशेंट नॉर्मल भी हो जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ये छुआछूत की बीमारी है, बट ऐसा नहीं है, ये छुआछूत की बीमारी बिल्कुल नहीं है। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर एक पेशेंट है, कोई लड़की है जिसको ये बीमारी है, तो उसके बेबी को भी ये बीमारी होगी, तो ये बात देखी जरूर गई है कि कुछ पेशेंट्स में जेनेटिक कारण होता है मिर्गी का, लेकिन आमतौर पे मिर्गी के पेशेंट के बच्चे को मिर्गी नहीं होती है, ऐसा कॉमनली नहीं देखा गया है। एक कॉमन कारण है मिर्गी का, खासतौर से इंडिया में, और उसको कहते हैं न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस। इसमें क्या है कि जो पेट में केचुआ होता है, टेपवर्म, उसका अंडा ब्रेन में पहुंच जाता है और वहां से फिर ये फिट्स पैदा करता है। तो इसमें मैं अपने पेशेंट्स को एडवाइस करता हूं कि उस तरह के फूड आइटम्स ना खाएं जिसमें कि ये कीड़े के अंडे पहुंच सकते हैं। और जो चीज अनकुक्ड है, जैसे कि पत्तों वाला सलाद, वो अवॉइड करना है। हरी चटनी, ये अवॉइड करनी है। जो दूसरी चटनी है, जो लाल वाली चटनी होती है, वो पका के बनती है, तो वो सेफ है।
अगर आप चाट खाने जाते हैं तो उसमें जो पानी होता है चाट का उसमें गंदगी हो सकती है, तो आप गोलगप्पे का पानी ना लें, कम से कम वो साफ सुथरे ढंग से बना होना चाहिए। नल का पानी आप ना लें क्योंकि उसमें भी अक्सर ये कीड़े के अंडे होते हैं, और अगर आप पानी पीते हैं तो फिल्टर करके ही पिए, और फिल्टर का इंतजाम नहीं है तो बॉयल करके लिया करें। इन सब चीजों से ये अंडे आ जाते हैं और फिर ब्रेन में पहुंच जाते हैं। मैंने ये भी देखा है कि जो लोग पान खाते हैं वो पान का जो पत्ता है उसको ताजा रखने के लिए पान वाले उसमें पानी उस पर डालते रहते हैं, और वो पानी अक्सर मिनरल वाटर नहीं होता, डायरेक्ट नल का होता है। तो मेरे ख्याल से अगर नल का पानी अगर उस पर डाला जा रहा है तो उस तरह के पान के पत्ते को भी आप लोग मत यूज किया करिए। आखिर में आप सबसे यही बताना चाहूंगा कि निराश होने की कोई वजह नहीं है, इस बीमारी को हम लोग आसानी से कंट्रोल रख सकते हैं, यह आपकी लाइफ में कोई बाधा नहीं डालेगी, आप जो कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में वो आप कर सकेंगे। थोड़ा सा डिसिप्लिन लाइफस्टाइल रखना होगा, और अगर ऐसा करेंगे तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा और आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। थैंक यू।